और चलिए बात करते हैं चुनावी चौपाल की। उत्तर प्रदेश का वाराणसी बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र नगर माना गया है। ये बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर है। ये संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ का सियासी पारा हाई है। देखिए वाराणसी से हमारी चुनावी चौपाल। की बार 10 लाख से ऊपर ज्यादा वोट देकर के उनको यहाँ से विजयी बनाएंगे। हम इस विकास की गति को रुकने नहीं देना चाहते हैं। आएंगे तो मोदी जी ही, मोदी सरकार 400 पार, 10 लाख पार हर बार, 10 लाख पार मोदी सरकार, जीतेंगे तो मोदी ही। यूपी का वाराणसी बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है। ये बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर है। ये संसार के प्राचीन सबसे शहरों में से एक है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अनामिका पांडे। रिपब्लिक भारत की चौपाल आज लगी है बनारस में। कहते हैं सुबह बनारस शाम अवध, लेकिन इस वक्त हम बनारस में हैं। ये सुबह और शाम के बीच का वक्त है, यानी करीब करीब दोपहर का वक्त है और ये चौपाल लगी है शाम को 80 घाट पर बनारस में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि 1 जून को वाराणसी के लोग जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके मन में क्या होगा, मुद्दे होंगे या फिर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनके काम, विकास पुरुष या जिस तरह से पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजा है, वो तमाम बातें रहने वाली हैं। आज मैं यहाँ बनारस के रहने वाले लोगों से ही जानूंगी और इनमें केवल बनारस के ही लोग नहीं है बल्कि अलग अलग जिलों के लोग भी हैं उत्तर प्रदेश के, जो ये बताएंगे कि बनारस के मुद्दे क्या हैं और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लोग क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना और बनारस के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इस बार क्या सोचकर आप लोग वोट करने जाएंगे? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, कारगिल योद्धा। मैं एक फौजी हूँ जो कि कारगिल लड़ाई का वॉर इंजर्ड जवान हूँ। बनारस के आज सिचुएशन माननीय मोदी जी 2014 में आने के बाद से और अभी तक जितना परिवर्तन हमारे को मिला, उस हिसाब से हमको देखते हुए सड़कें हो, सीवर हो, यहाँ की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके हम और 2014 की अपेक्षा आज जो दिख रहा है वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हम ही, चूँकि हम वाराणसी के रहने वाले हैं, हमने यहाँ पे सब कुछ देखा है, उस चीज़ को देखते हुए ये चाहे आप इसकी बात करें कहीं भी, आज हमारा काशी का नाम बहुत ऊपर कर दिया है मोदी जी ने। इस चीज़ को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं उनको कि अब की बार 10 लाख से ऊपर ज्यादा वोट देकर के उनको यहाँ से विजयी बनाएंगे। 10 लाख से ज्यादा वोट, मामूली वोट नहीं है 10 लाख? जी जी मामूली नहीं है। हाँ। लेकिन मोदी जी के विकास के कार्यों को देखते हुए ये नामुमकिन भी नहीं है। बहुत आसानी से मोदी जी 10 लाख का आंकड़ा पार करेंगे और 10 लाख ही नहीं 400 पार भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि वो दिखावे का काम नहीं कर रही है, विकास का काम कर रही है, जनता के मुद्दों पे काम कर रही है और विकास हो रहा है, जनता देख रही है। जनता पागल भी नहीं है कि नहीं, जनता देख नहीं रही है, जनता देख रही है, उसको मिल रहा है, विकास हो रहा है और आगे भी उम्मीद है जनता को कि मोदी जी आएंगे तो और हमारे देश का विकास होगा। मतलब आप लोग सीधे सीधे अब की बार 400 पार पे मोहर लगा रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल लगा रहे हैं। देखिए अभी आपके पास पहुंचना था, विकास ये दिख रहा है बनारस में। मैं बनारस के दूसरे छोर से इस छोर पर पहुंचा हूं और मात्र 35 मिनट में फुलवरिया लेन जो बना है ये विकास ही मुझे 35 मिनट में पहुंचाया, नहीं तो मैं रथ यात्रा होकर के अगर मैं पहाड़िया से यहाँ पहुंचता तो 1.5 घंटे समय लगते। ये मोदी जी का विकास है। सारनाथ में विजिट करने गया था 14 में, सारनाथ में टूटी फूटी सड़कें थीं और आज वहाँ पर्यटन का इतना भीड़ है, पर्यटकों की समझ लीजिए कि मतलब कहे नहीं बनता, इतनी चमचमाती सड़कें। ये जो तार के घुघरू दिखाई देते थे बनारस में वो सब जमीन के अंदर हो गए, तारों का जाल अंदर हो गया, समझिए विकास मोदी जी ने किया। मोदी जी को हम चाहेंगे कि जो 10 साल में विकास बनारस में उन्होंने किया, 24 में मैं इतना मतों से उन्हें जिताऊं कि उनका विकास भी उस मत पे कम पड़ जाए। इस बार हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम लोग मोदी जी के लिए अपील कर रहे हैं क्या? विकास के मुद्दे को देख के सारे लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से 2024 में 400 पार के साथ सरकार इसलिए बनाएं कि विकास का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा होता है कि इसका फ़ायदा हर इंसान को मिला है, सड़क, सीवर, नाली, जितनी मतलब बनारस में कोई ऐसी गली नहीं बची जहां पे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। तो ये मतलब ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी केवल सड़कों की नहीं है, ये जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वाराणसी के सांसद का, आप सभी उन लोगों से है जो सीधे उनको वोट देते हैं, व्यक्तिगत जुड़ाव है। और दूसरी बात कि हम इस विकास की गति को रुकने नहीं देना चाहते हैं। मोदी जी का शासन हो केंद्र में, चाहे योगी जी का शासन हो प्रदेश में,
दोनों जगहों से जो समर्थन मिल रहा है वाराणसी को, जिस विकास जिस तेजी से विकास इसको मिल रहा है, तो इस शहर को ऐसे ही विकास की गति मिलती रहे, इस वजह से मोदी जी का और योगी जी का निरंतर आते रहना जरूरी है। वाराणसी एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मोदी जी का तो समझ में आता है, सांसद है, केंद्र का चुनाव है, आप तो सीधे योगी जी की बात भी करना है, कहना योगी जी का आना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब दो लोगों की तरफ से दोहरी डबल इंजन की सरकार चलाते हैं। ये तो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल है। राजनीतिक बात के साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा रोजगार के लिए भी ध्यान दें। हाँ। कुछ सरकारी रोजगार के अलावा अगर कुछ प्राइवेट जॉब सेक्टर में भी बढ़ावा मिले लोगों को तो अच्छा लगे, क्योंकि हम बहुत से युवा ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन इधर धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जा रही है, थोड़ा इसको सुधार करने की जरूरत हो गया है, अगर सुधार हो जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। मतलब बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है सर? क्योंकि मैं आज कई जिलों में, कई राज्यों में लोगों से मिलने गई, बहुत से लोगों ने कहा मुद्दा है, लेकिन कई लोग वाराणसी के लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है, जो काम करना चाहेगा उसके लिए नौकरी है। काम की कमी नहीं है, काम तो मिल ही रहा है लोगों को। हाँ। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी यहाँ से सांसद फिर से बने। इसलिए कि वो प्रधानमंत्री हैं या फिर काम कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं। 10 सालों में जो इन्होंने काम विकास का बयार दिखाया है। हाँ। वो किसी दूसरे बस की बात नहीं है। अच्छा, मतलब विकास जो हुआ है, आप लोगों ने कभी कल्पना की थी उस विकास की कि मतलब इतना? और वाराणसी की छवि इस वक्त ऐसी हो गई है कि ये एक स्मार्ट सिटी नहीं है, इंटरनेशनल सिटी बन के उभर रही है। नहीं, वाराणसी के लिए तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना कर पाएगा। हाँ। और जो भी किया उन्होंने अद्भुत किया है। मतलब दूसरे किसी पार्टी से या दूसरे किसी नेता से हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि बनारस का कायाकल्प इस स्तर पे होगा कि लोग हम लोग को देश में नहीं विदेशों से भी आके भी देखेंगे, निहारेंगे कि हमारा काशी कैसा है। काशी तो लोग निहार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये दिखावा है। वाराणसी का विकास तो हमेशा से, वाराणसी के विकास की बात तो हमेशा से कहते रहे हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन करने लोग पहले भी आते थे, आज भी आते थे, क्या अलग हो गया है? मैं बता रहा हूँ अलग क्या हुआ है। जहाँ पे आप इस अच्छा। स्थान पे खड़ी हैं, उस स्थान पे केवल सीवर था, सीवरेज था, लोगों का सीवर इस गंगा जी में आता था बह के, और यहाँ पे हमेशा कीचड़ ही मिला है 2014 के पहले। 2014 की तस्वीर सबको याद है कि मोदी जी ने पहला फरसा यहाँ पे चलाया था अपने हाथ से। मोदी जी के फावड़ा चलाने के बाद से जो यहाँ पे साफ सफाई हुई और आज जितना साफ सुंदर ये घाट हमें दिख रहा है, हम लोग यहाँ खड़े होकर आराम से शुद्ध हवा ले रहे हैं और किसी प्रकार की बदबू महक नहीं आ रही है, तो ये फर्क है। इसके अलावा आप काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर रही हैं कि वहाँ तो पहले भी लोग दर्शन करने जाते थे, बिल्कुल आते थे, बाबा विश्वनाथ का दरबार है, आदि से लेकर अनंत तक वहाँ लोग आते रहेंगे, लेकिन जो वहाँ के दर्शनार्थियों को सुविधा अब मिल रही है ये पहले नहीं मिलती थी। पहले गलियों में एक दूसरे के साथ रगड़ खा के जाते थे और बड़ी मुश्किल से दर्शन करके आते थे। आज जो संख्या है वो संख्या कम से कम 10 गुनी बढ़ चुकी है। 50,000 लोग डेली दर्शन करके जाते थे 2014 से पहले, और आज की संख्या 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग रोज दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये संख्या में जो बढ़ाव है वो बता रहा है कि बदलाव हुआ है और लोगों को सुविधा मिली है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से गहरा संबंध है। ये शहर हजारों सालों से भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की बात कही गई है, और कांग्रेस के ही एक नेता सैम पित्रोदा कहते हैं कि अमेरिका में तो विरासत पर भी टैक्स लगता है। मैं बताता हूं आपको, वो जी वो ये कहते हैं, ये सत्ता में रहे ना 55 साल, ये सत्ता में रहे और इनके नेता अमेरिका में बैठ के ये बोलते हैं कि विरासत की जो आपके पास संपदा है उसमें से 45% आपके बच्चे को मिलेगा और 55% जो है अमेरिका की तरह यहाँ भी लागू हो जाएगा। समझ लिए, हम जाति जनगणना के हिसाब से हम आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाएंगे, ये राहुल जी बोलते हैं। ये बताइए, ये पहले अपना बांट के तो दिखाएं। अच्छा, वो तो कर्नाटक में जो है ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण भी लागू करती हैं, कर चुके हैं वो, और वो लालू यादव ने तो कहा कि अगर सरकार में आ गए तो हम देश भर में इस पर विचार करेंगे अगर गठबंधन की सरकार आ जाती है। जब सरकार आएगी तब ना। हाँ। सरकार तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, सरकार आने वाली है। अब सरकार आने की बात है, जो चीज होने वाला है नहीं, होने वाला है नहीं तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। जब ये होने ही वाला नहीं है, सरकार आएगी नहीं। अरे जो काम किया होता तो ये नौबत ना आती, सरकार में बैठते दूसरों की बुराई ना करते, काम किया होता तो नौबत ही ना आती ना। मोदी जी काम करे तभी तो वो परेशान है, अगर मोदी जी काम नहीं करते तो लड़ते किससे वो? आप कह रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी सिर्फ और सिर्फ निर्दोषों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा विपक्ष का मानना है, ऐसा नहीं है। कोई बिना गुनहगार किए कोई जेल में जा सकता है? ऐसा कोई सरकार चल सकती है? ऐसे नहीं होता है भारत में। कोई गुनाह करता है तो ही जेल में जाता है,
बिना गुने के जेल में नहीं जाता है। अब बहुत सारे साथी जो है गठबंधन के टूट के चले गए हैं, कई गठबंधन के साथी जो मसलन मैं बिहार की बात करूं, बिहार के सरकार के पड़ोसी राज्य है बिल्कुल, नीतीश कुमार 3 से 4 बार पलटी मार चुके और कह रहे हैं जहां चुनाव खत्म हुआ फिर पलटी मार जाएंगे। जी राजनीति में देखिए ऐसा होता है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना फायदा देखते हुए जान रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए उन्होंने मोदी जी का दामन थाम लिया है और मोदी जी के साथ रहेंगे। और राजनीति में तो ये सब होता रहता है। और अभी आपने जो बोला था कि केजरीवाल ने कहा है कि मोदी जी जब हटेंगे तो 75 साल के बाद तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी जी को हटा दिया जाएगा, तो ये विपक्ष घर में झगड़ा लड़ाने का काम कर रहा है, ये झगड़ा लड़ाने का काम कर रहा है, अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसी ने हिंदू धर्म का पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं पर लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।